अभी जा रहे हैं हम लोग काल भैरव मंदिर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। और भोले की नगरी में काशी बनारस में आपका स्वागत है। सुबह के बजे हैं 9 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। मतलब बच्चे अभी भी सोए हैं क्योंकि बहुत थके हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था कि हम यहाँ पे संडे पहुँचने वाले थे लेकिन सैटरडे पहुँच गए, तो एक रात के लिए हमने यहाँ पे एक होटल बुक कर लिया। जैसे मैं बता रहा था कल एक पंगा हो गया, तो कल मैंने जो होटल रूम बुक किया था booking.com से, तो मैंने पे किया क्रेडिट कार्ड से, और उसके बाद मैंने जब भी होटल को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बिजनेस ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर ये बिजनेस बंद है तो booking.com बुकिंग कैसे लेता है। तो चलो अच्छा है उस पर कुछ चार्ज हुआ नहीं, तो फिर हमने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एक यहाँ पे कमरा बुक कर लिया। इट्स एन बेसिक रूम, कोई खास नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। आई विल बी गोइंग टू अ डिफरेंट होटल। 12 बजे करीब उन्होंने हमें बुलाया है, तो अभी हम बस यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल कम बैक एंड चेक इन द न्यू होटल। अभी हम चाय पी के निकले हैं रूम से, होटल से निकले हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग काल भैरव मंदिर। तो आप देख सकते हो ये है इलेक्ट्रिक रिक्शा। यहाँ पे सब लोग अराउंड 100 rupees पर सीट का हिसाब है यहाँ पे, मतलब कहीं पर भी जहाँ आप 100 rupees लेते ही लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ से निगोशिएट करके अभी 150 में कर दिया है। तो कुछ तीन किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे और आते समय चल के आएंगे एक्सप्लोर करते करते। इसमें हम लोग अभी काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो काफी भीड़ है यहाँ पे। मतलब मंदिर इस तरफ है लेकिन ये लाइन ऐसे अंदर से घूम के मंदिर तक जा रही है। और आप जानते हो कि काशी इज अ वेरी फेमस प्लेस, और यहाँ पे पूरे इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। आपको अगर आपको यहाँ पे मंदिर में आना है तो इट इज सजेस्टेड कि आप जल्दी आ जाइए ताकि भीड़ कम हो, क्योंकि ये जो मौसम है अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है, तो जैसे 10 बजे के बाद इतनी गर्मी शुरू होती है यहाँ पे कि आप ज़्यादा देर आप बाहर नहीं रह सकते। गाइस अभी करीबन 2 घंटे हो चुके हैं हम लाइन में खड़े हैं। ये आप सामने देख रहे हो ये मंदिर है, इतनी लाइन बाकी है बस, लेकिन करीब करीब इसके लिए भी 15-20 मिनट जाने चाहिए। तो चलो ठीक है, हम दर्शन लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे काल भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं और मंदिर से हम निकले हैं। अभी ऑफिस ऑफ इलेक्ट्रिक रिक्शा से रूम पे जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को हमने रूम पे रखा है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ, मतलब बेहिसाब भीड़, और ना लोगों में ये मानसिकता है कि आराम से दर्शन हो, प्रशासन में इतनी मानसिकता है कि भाई वो लोगों को मतलब संभाले वहाँ पे, जो अरेंजमेंट बनाए ताकि दर्शन आराम से हो। बट यहाँ दर्शन हो चुके हैं और सो गाइस जैसे मैंने कहा था हम लोगों ने चेक इन कर दिया है। सॉरी पूरा सामान बिखर गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। So this is how the room is. It's a good room. अच्छी डील मिली क्योंकि my friend he's from Banaras, तो उसी के थ्रू ये मैंने बुक कर दिया। तो गाइस हम अभी निकले हैं और द लंच। तो गाइस अभी हम लंच में आए हैं, दिस इज सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट। जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं ये उन्हीं का है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। आप देख सकते हो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये लक्सा करके एरिया है, इसमें पड़ जाए। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट फॉर द इवनिंग गंगा आरती, जो शाम को जो आरती होती है गंगा जी की, वो हम लोग देखने जा रहे हैं और आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो फिर निकल।
कहीं से भी हम दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये मार्केट आया तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये बेसिकली प्योरली लेडीज़ कपड़े साड़ियाँ ये इसका मार्केट है। तो दोस्तों अभी मैंने किसी से पता लगाया इसका नाम है गदोलिया मार्केट। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, आप देख सकते हो सामने। गाइस हमने क्या किया है, यहाँ पे आप अगर घाट पे आओगे तो आपको आरती देखने के लिए ये बोट है ना, बोट में एक सीट मिलेगी जो आप इसका रेंट दे सकते हो, 100 रुपीज़ पर हेड दे चार्ज। सो दिस इज़ द बोट। और ये जो दिख रहा है आपको ये सामने ये आरती होती है। तो हमने यहाँ से हम आरती का दर्शन लेंगे। गाइस अभी 7:05 हो रहे हैं शाम के और आपको मालूम है हम आए हैं यहाँ पे कुछ करीब 5:30 से हम यहीं पे हैं। तो ये आरती अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में गंगा की। ये मंत्र वगैरह अभी शुरू हो गए हैं तो थोड़ी देर में अभी आरती शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइम स्पॉट चाहिए आरती देखने के लिए तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि जब ही हम आए थे और कोई नहीं था यहाँ पे। लेकिन अगर आप अभी देखोगे ये पूरा भर गया, आप देख सकते हो पूरा भर गया। तो हम जो सबसे आगे बोट है उसी में हम बैठे हैं और बोट में भी हमने आगे की जगह मिली है। तो चलो फिर हम थोड़ी देर में आपको आरती दिखा देंगे। इस माँ गंगा की आरती अभी संपन्न हो चुकी है। ये जो यहाँ पे जो माहौल है आप कैमरा में देखोगे और मैं बोलूँगा आप समझ नहीं पाओगे,
आप अगर यहाँ पे खुद रहोगे तो आप मतलब आपको पता चलेगा यहाँ पे जो मज़ा है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से रूम पे जाएंगे।